दोस्तों, मैं आज आपके लिए बहुत ही टेस्टी और क्विक रेसिपी लेकर के आई हूँ। आज मैंने आपके लिए छाछ की रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो दोस्तों, ये रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चटपटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पर बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, चलो हम इस रेसिपी को देख लेते हैं कि छाछ 2 मिनट में कैसे तैयार होता है और बहुत ही टेस्टी। और जैसे आप बाहर छाछ पीने की उम्मीद करते हैं, जैसे पीते हैं, वैसे ही सेम रेसिपी है। तो दोस्तों, जो है छाछ बनाने के लिए मैंने लगभग, आप देख सकते हैं, एक बाउल में दही जमा करके रखा था मैंने। दूध को कुनकुना करके उसके अंदर मैंने जो है दही थोड़ा कम मात्रा में डाल दिया था और रात भर मैंने रख दिया था। तो मेरी जो दही है वो रेडी हो गई है। अब इसकी मैं छाछ बना लूँगी। और छाछ में डालने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर जो है मैंने कुछ धनिया की पत्ती ले रखी है, इसे बारीक बारीक कट करके रखा है। और यहाँ पर कुछ जो है और यहाँ पर जो है पुदीने की मैंने सिर्फ और सिर्फ 4 पत्ती लेकर के रखी है। और इसके इससे जो है टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन इसकी मात्रा अगर आप ज़्यादा डाल रहे हो तो इसमें कड़वापन आने का भी चांसेस है। इसलिए मैं बहुत ही कम मात्रा में ली है। और इसमें जो है सूखा पुदीना वो भी मैं डालूंगी। तो मैं इसे जो है मथनी से मथूंगी नहीं, इसे हम डायरेक्ट ग्राइंड कर लेंगे बहुत ही कम समय में और बहुत ही टेस्टी आपकी जो है छाछ वो रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों, इसे मैं एक मिक्सी में पूरा ले लूंगी, निकाल लूंगी। और अगर आपको चाहिए कि दही कैसे जमाते हैं तो उसका भी मैं आपको जो है वीडियो बना दूंगी। तो लगभग मैं पूरी दही ले रही हूँ और इसके अंदर जो मैंने आपको बताया कि ये जो लीव्स है पुदीने की वो डाल रही हूँ। और दोस्तों, इसमें जो है ये भुना हुआ और पिसा हुआ, इसे ग्राइंड कर लिया है मैंने, जीरा है। जीरा को मैंने भून करके इसे अच्छी तरीके से ग्राइंड करके रखा है। ये जीरा पाउडर है, मैं जीरा पाउडर डाली हूँ। आप देख रहे हैं लगभग मैं हाफ टी स्पून मैंने इसमें डाला है। और इसमें जो है काला नमक भी डाल रही हूँ। और ये काला नमक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके छाछ में जो है, यही जो इसकी स्मेल और इसका टेस्ट में यही बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करता है। ये भी लगभग मैंने 1 टीस्पून ले लिया है। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि ये जो है कस्तूरी मेथी है जो है वो भी मैं 1/2 टीस्पून डालूंगी। और इसके अंदर मैं जो है सादा नमक भी डालने वाली हूँ, अभी सादा नमक डाल लेंगे। और दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में आपका जो है छाछ रेडी हो जाएगा। और इसमें जो है मैं नमक स्वाद अनुसार डाल रही हूँ और इसे हम अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। तो दोस्तों, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब इसके अंदर जो है मैं लगभग 1 ग्लास पानी मिक्स करके फिर से ग्राइंड कर दूंगी। दोस्तों, जो है वाटर अगर आप डालने के बाद इसे ग्राइंड करोगे तो इसके अंदर जो टेस्ट है और काफ़ी अच्छी तरीके से आता है। तो इसे मैं फिर से ग्राइंड कर लूंगी। तो दोस्तों, इसमें जो मैंने वाटर डाल करके भी इसे ग्राइंड कर दिया है, आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी अच्छी तरीके से ये झाग निकला है। ये झाग नहीं, एक्चुअली इसमें जो घी था वो है। तो दोस्तों, अब इसके अंदर जो हमने धनिया की पत्ती थी वो डाल के मिक्स कर लेंगे। हमारा जो छाछ है वो बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी है, अब इसे हम सर्व कर सकते हैं और आप जो है छाछ का मजा उठा सकते हैं। अब दोस्तों, इसे आप सर्व कर सकते हैं, आप देख सकते हैं ये कितना टेस्टी लग रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो, ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।